ग्वालियर में 38 साल पहले बने सोन चिरैया अभयारण्य में फिर से सोन चिरैया की बसाहट की जाएगी। इसके लिए जैसलमेर से सोन चिरैया के अंडे लाकर उनकी हैचिंग कराई जाएगी। वन विभाग इसके लिए घास अनुसंधान केंद्र से विशेष घास लाया जाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग, वाटर टैंक बनाने के अलावा सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए जाएंगे। प्रक्रिया में अब इसके लिए पूरी तैयारी से जुट गई है। आपको बता दें कि सोन चिरैया राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, महाराष्ट्र के शोलापुर, नासिक, आंध्र प्रदेश के कुन्नूर, कर्नाटक के बेल्लारी और हुबली में पाई जाती है। ग्वालियर में साल 2009 से सोन चिरैया नहीं दिखी है। इसके बावजूद इसके संरक्षण और शोध के लिए हर साल लगभग 10 लाख रूपये खर्च होते रहे और अब तक इस अभ्यारण में 60 करोड़ रूपये से भी ज्यादा खर्च हो चुके हैं। हमले हो रहे हैं, हमले के बाद कार्रवाइयां भी हो रही हैं और पुलिस विभाग द्वारा हमें लगातार सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है। जहां भी इस तरह के मामले होते हैं गंभीर, वहां FIR भी दर्ज की जा रही है। सोन चिरैया अभियान जब मैं पहली बार 90 में MLA बना था उस समय हमने प्रश्न लगाया था, तब कहा 3 वर्ष से सोन चिरैया नहीं देखी गई और अनेक प्रश्नों के जवाब में अलग अलग समय आया कि इसको हम डीनोटिफाई कर रहे हैं, लेकिन पत्थर माफियाओं के लिए साजिश रखकर षड्यंत्र रखकर डीप नोटिफाई न करके उसी पत्थर का अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। ये लगातार सामंजस्य बिठाने के प्रयास किए जाते हैं कि जहां पर नहीं व्यवस्था हो सकती वहां डी नोटिफाइड हो और जहां पर की जा सकती है तो फॉरेस्ट विभाग उसके लिए लगातार प्रयासरत रहता है। तो अगर ऐसा कोई प्रपोजल फॉरेस्ट की तरफ से आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और सरकारें उसमें प्रयास करेंगी और अगर वो जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ होगा तो निश्चित ही उसको आगे बढ़ाया जाए।